दोस्तों, ये है मेरा वेबसाइट द गैजेट शिक्षा। ये उसका डैशबोर्ड है, एडमिन डैशबोर्ड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से प्लगइन इस्तेमाल करता हूँ। ये सवाल मुझे अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा प्लगइन मैं इस्तेमाल करता हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट का लोड टाइम भी आपको दिखाऊंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं एक्टिव सेक्शन में हूँ। तो मैं एक प्लगइन इस्तेमाल करता हूँ, 404 सोल्यूशन। बहुत ही अच्छी प्लगइन है ये। कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर 404 एरर इन योर वेबसाइट। क्लासिक एडिटर इस्तेमाल करता हूँ, क्लाउड फ्लेयर इस्तेमाल करता हूँ, कंटेंट व्यू वाला प्लगइन जो है इस्तेमाल करता हूँ, इजी सोशल शेयर बटन्स फॉर वर्डप्रेस, ये एक पेड प्लगइन है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इजी टेबल फॉर कॉन्टेंट्स ये इस्तेमाल करता हूँ, इनलाइन रिलेटेड पोस्ट ये इस्तेमाल करता हूँ, मैं मार्कटब थीम इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका जो अपना खुद का प्लगइन है, ऑब्जेक्ट कैच फॉर एवरीवन, ये मैम कैच को पे काम करती है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, मैम कैस्ट सर्वर रनिंग, तो वो है। पर्फ मैटर्स, ये एक पेड लाइट वेट प्लगइन है, वेबसाइट जो ब्लॉट होते हैं वर्डप्रेस में उसको दूर करने के लिए। उसके बाद प्रेटी लिंक इस्तेमाल करता हूँ, ये भी पेड वर्जन है मेरे पास। एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वीपी लास्ट मॉडिफाइड इन्फो, साइट मैप एंड योस्ट एसईओ। ये सारे 15 प्लगइन मैं अपने वेबसाइट में इस्तेमाल करता हूँ। मैं आता हूँ प्राइवेट विंडो पर और मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, दिखाता हूँ कि कितना फास्ट लोड करता है मेरा वेबसाइट। अगर आप भी इस तरह से फास्ट लोडिंग वेबसाइट चाहते हैं, मेरे वेबसाइट पे आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा इनबिल्ट एडिट। ये देखिए, यूट्यूब वीडियो एडिट है इसमें। एंड जैसे मैं एक बहुत लंबा पोस्ट खोजता हूँ, जैसे प्रिंटर 15,000, ये बहुत बड़ा पोस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आर्टिकल है, ये कितना इसमें है, इसमें टोटल बहुत लंबा आर्टिकल है ये। अब इसका मैं आपको लोड टाइम दिखाता हूँ। तो लोड टाइम को चेक करने के, किसी भी वेबसाइट की लोड टाइम को चेक करने के लिए सबसे ऑथेंटिक मेथड जो होता है वो जीटी मैट्रिक्स और गूगल पेज इनसाइट, वो नहीं होता है। उससे आपको एक्यूरेट आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका सर्वर कहाँ पे है, कहाँ से। जैसे जीटी मैट्रिक्स कनाडा से वो चेक करती है, तो कनाडा में आपका लोड टाइम फास्ट है, तो उससे क्या मतलब है भाई। इंडिया में जैसे मेरे वेबसाइट का 90% रीडर्स इंडिया से आता है, तो मुझे इंडिया में अपना वेबसाइट फास्ट रखना है। तो यहाँ पे आपको अपने लोड टाइम चेक करना होता है। जैसे कि प्लगइन सेक्शन में मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी मैं कैच वाला प्लगइन इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी कैच का प्लगइन मैं अपने वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो वेबसाइट का लोड टाइम चेक करने का सबसे ऑथेंटिक मेथड है कि आप ऐसे क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा पेज पर, फिर इंस्पेक्ट कीजिए, नेटवर्क टैब में आइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिसेबल कैच किया है, जो ब्राउजर कैच होता है, जिसमें रिसोर्स ब्राउजर जो है अपने आप डाउनलोड करके रखती है, तो वो मैंने डिसेबल कर दिया था। अब ये सारा कंटेंट जो है वो लोड हो रहा है थ्रू क्लाउड फ्लेयर मेरे वेबसाइट की ओरिजिन से, ठीक है। ये सबसे ऑथेंटिक मेथड है। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, रिलोड, और ये मैंने फाइल पकड़ी, ये जो है ये है मेन https gadgetshiksha.com gadgets.shiksha/printer-15000, वो मैंने पकड़ा। और यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं जाता हूँ टाइमिंग में। टाइमिंग में आप देखिए कि ये वेटिंग है इसका सिर्फ 32 मिली सेकेंड, एंड लोड टाइम है 15 मिली सेकेंड। ये सबसे ऑथेंटिक मेथड है किसी वेबसाइट को चेक करने का। आप भी अपनी वेबसाइट का चेक कीजिए, वो आपको 700-800 मिली सेकेंड या मे बी 1 सेकेंड का वेटिंग टाइम होगा आपकी वेबसाइट का। तो मैं दूसरा लिंक खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसका लोड टाइम है। मैंने कैच डिसेबल करके रखा, अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो मैंने कैच डिसेबल करके रखा है। इसका वेटिंग टाइम है सिर्फ 33 मिली सेकेंड। अगर मैं कैच को हटा देता हूं तो इस पे कुछ रहेगा ही नहीं, मतलब लोड टाइम 0 हो जाता है। मैं ये आपका क्रोम हो गया, क्रोम का मैं प्राइवेट विंडो खोलता हूँ, इनकैग्निटो विंडो।
इनका एनेटो विंडो है क्रोम का, तो इसमें मैं खोलता हूँ गैजेट शिक्षा और मेरे वेबसाइट पे गूगल एडसेंस भी चलते हैं, वो भी लोड होता है और यूट्यूब के वीडियो भी है। ये गूगल एडसेंस है और यूट्यूब के वीडियोज भी इस पे इनबिल्ट है, एडेड है। यूट्यूब का वीडियो बहुत बड़ा सर्वर, क्योंकि बहुत सारे एसेट्स जावास्क्रिप्ट वो लोड करता है फ्रॉम youtube.com, जिसके कारण आपका वेबसाइट स्लो होता है। थर्ड पार्टी एसेट्स वो डाउनलोड करता है जो आपके वेबसाइट को स्लो करता है। तो आपको मैंने दिखाया कोई भी, मैं यूट्यूब का प्लगइन इस्तेमाल नहीं करता। मैं जैसे ही जो इनबिल्ट डिफॉल्ट वर्डप्रेस का है कि भाई आप एम्बेड कर सकते हो यूट्यूब वीडियो, तो मैं वैसे ही यूट्यूब वीडियो एम्बेड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ सेटिंग फेडिंग किया है उसमें, तो मैं फिर से वही नेटवर्क में आता हूँ, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, देखो ये इंस्पेक्ट एंड परफॉर्मेंस के बगल में आपको मेमोरी मिलता है और इस तरफ नेटवर्क मिलता है, और मैं इसको रीलोड मारता हूँ। तो ये रहा पहला HTML लिंक और ये रही इसकी टाइमिंग। तो आप देखोगे इसका लोड टाइम 15.77 मिली सेकेंड है। इनिशियल कनेक्शन SSL, सॉरी वो नहीं, हाँ ये रहा, वेटिंग वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स, ये आपको हो जाता है 33.14 मिली सेकेंड एंड लोड टाइम है टोटल 78.68 मिली सेकेंड। अल्ट्रा फास्ट है ये वेबसाइट। आपको मैं इसमें एक बहुत अच्छा, और यहाँ पे भी मैंने कैश को डिसेबल करके रखा है। यहाँ पे एक फीचर होता है कि आप कैश को मैं इनेबल कर देता हूँ और मैं इसको फास्ट 3G पे चेक करता हूँ कि अगर नेटवर्क कनेक्शन है फास्ट 3G तब कैसा स्पीड मिलेगा। ये एक लिंक मैं खोलता हूँ और यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्लाउड फ्लेयर का कैच है। मैं APO इस्तेमाल करता हूँ एंड APO फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिलता है क्लाउड फ्लेयर से, तो मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो है डाउनलोड स्पीड अगर मेरे वेबसाइट का है 552.17 मिली सेकेंड वेट टाइम है एंड लोड टाइम है 281.65 मिली सेकेंड। ये मैं थ्रॉटलिंग किया हुआ हूँ और फास्ट 3G पे। अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो वेबसाइट बहुत स्लो है, तो मैं एक बहुत ही टॉप क्लास की वेबसाइट है VP बिगनर, मैं उसको लौट VP एक सेकंड VP बिगनर, ये इस VP बिगनर नंबर वन वेबसाइट है जिसमें आपको ट्यूटोरियल रिसोर्सेस कोई चीज कैसे करना है उसका जवाब मिलता है। बाय डिफॉल्ट नंबर वन रैंक है इस वेबसाइट का। और ये वेबसाइट के कंटेंट कैसे लोड होते हैं, मैं इंस्पेक्ट किया, नेटवर्क में आया और मैंने इसका एक कोई लिंक मैं खोलता हूँ। ओके, ये लिंक मैं व्हिच इज द बेस्ट वर्डप्रेस पॉपअप प्लगइन, उसको मैं खोलता हूँ। और ये देखो सेटिंग मेरा क्या क्या हुआ है कि डिसेबल कैच ऑफ है और फास्ट 3G ऑन है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वेबसाइट लोड होती है 567.20 मिली सेकेंड में। इसका वेट टाइम है, इसका ये वेटिंग टाइम है, वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स, एंड लोड टाइम है इसका 258.03 मिली सेकेंड। ये बीपी बिगनर का है जो कि एक टॉप क्लास की वेबसाइट है, प्लगइन बनाती है, तो उनका जो नॉलेज है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का मेरे से कम 1 लाख गुना ज्यादा बेहतर होगा। मेरा जितना नॉलेज है बीपी ऑप्टिमाइजेशन का उससे 1 लाख गुना ज्यादा बेहतर होगा बीपी बिगनर वाले का। वो लोग प्लगइन डिजाइन कर सकते हैं, मुझे प्लगइन बनाना नहीं आता, उनका कोडिंग लेवल इतना हाई क्वालिटी का है। और ये है मेरे वेबसाइट का, और सेम चीज है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है,
डिसेबल कैच एंड फास्ट 3G, और इसका भी है डिसेबल कैच एंड फास्ट 3G। ठीक है, चलो वो एक पेज हुआ, मैं कोई दूसरा पेज खोल के दिखाता हूँ। मैं रैंडम कोई एक पेज पिक करता हूँ और इस पे दिखाता हूँ। इस पे भी देखो आप, सेम कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि आप देख सकते हो, डिसेबल कैच फास्ट 3G और 569.60 मिली सेकेंड, 282.36 मिली सेकेंड है डाउनलोड टाइम, और वेट टाइम है 579.60 मिली सेकेंड। तो ये है मेरे वेबसाइट का, और ये है ऑलमोस्ट नेक टू नेक है मेरे वेबसाइट। तो अब ये बात आ जाती है कि भाई वीपी बिगनर की तरह मेरा वेबसाइट लोड करता है। यहाँ मैं वीपी बिगनर से बहुत आगे हूँ, क्योंकि वीपी बिगनर एडसेंस का कोड नहीं चलाती है। मेरे वेबसाइट पे एडसेंस के कोड लोड होते हैं, ये है वीपी बिगनर। सेम मैंने एक लिंक खोला और उनका भी कॉन्फ़िगरेशन यही है, फास्ट 3G पे डिसेबल कैच। मेरे में आप देखो कि बहुत सारे जो एसेट्स लोड होते हैं, ये मेरा वेबसाइट है और इसके बहुत सारे जो लोड टाइम है, अगर मैं एडसेंस को हटा दूं अपनी वेबसाइट से, ये सारा एडसेंस का ही है, सब कुछ ये एडसेंस है, टोटल एडसेंस है। अगर मैं एडसेंस को अपनी वेबसाइट से हटा दूं तो मेरा लोड टाइम वीपी बिगनर से भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि इनमें कोई एडसेंस का कोड नहीं है, इनका जो अपना रेगुलर का एसेट है ये एडसेंस से कोड नहीं है, ये फॉन्ट्स है जो लोड हो रहा है। तो वीपी बिगनर में कोई एडसेंस नहीं है और मुझ में बहुत सा एडसेंस के कोड हैं, और यूट्यूब के वीडियो का जो एसेट है वो भी डाउनलोड होता है मुझ में। तो और फिर भी मेरा वेबसाइट नेक टू नेक है, इक्वल है इन टर्म्स ऑफ लोड स्पीड कंपेयर टू वीपी बिगनर। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी एक पैसे की औकात नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन वीपी बिगनर के सामने में। जितनी नॉलेज उन लोगों को, वो लोग प्लगइन चलाते हैं, उनके प्लगइन को मिलियंस में डाउनलोड है, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेस वीपी बिगनर प्रोवाइड करती है। तो वो लोग प्रो हैं, प्रो नहीं लीजेंड हैं इस सेगमेंट में, और मैं बेबी हूँ जो अभी पैदा होने की कोशिश कर रहा है। फिर भी मेरा वेबसाइट नेक टू नेक है कंपेयर टू वीपी बिगनर। तो इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन मैं भी आपकी वेबसाइट के लिए कर सकता हूँ, शटअप कर सकता हूँ। मैं कोई कैचिंग प्लगइन इस्तेमाल नहीं करता। मैं आपको फिर से मैं वेबसाइट का इनसाइट दिखा देता हूँ, आप देख लो कहीं पे कोई कैचिंग प्लगइन नहीं। 404 एरर का है सॉल्यूशन है क्लासिक एडिटर, क्योंकि मुझे वो ब्लॉक एडिटर बिल्कुल पसंद नहीं। क्लाउड फ्लेयर को रिवेलीडेट करती है, और बाकी की ये चीज़ें यहाँ पे कहीं पे भी कैचिंग कैच वाला प्लगइन नहीं है। मैं यहाँ पे एक्टिव प्लगइन सेक्शन में हूँ, टोटल इनएक्टिव प्लगइन दो है और एक्टिव प्लगइन मैंने एक क्लासिक विडगेट है, कभी कभी मुझे विडगेट को अपडेट करना होता है तो उसके लिए मैं उसको एक्टिवेट करता हूँ। और क्वेरी मॉनिटर से मैं चेक करता हूँ कि भाई कितने सारे डेटाबेस क्वेरी जनरेट करता है कोई भी वेब पेज। तो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप देखो क्वेरी कितने सारे जनरेट हो रहे हैं। मेरे वेबसाइट में 60 से 65 क्वेरी जनरेट होता है, 50 से 60 या मैक्स टू मैक्स 65, 50 से 65 के बीच में क्वेरी जनरेट करती है हर एक वेब पेज। आप ये क्वेरी मॉनिटर इंस्टॉल करके चेक करना कि कितने सारे क्वेरीज आपकी वेबसाइट में जनरेट होता है। अगर आपके वेबसाइट में जनरेट होता है मोर देन 100+ या 150 क्वेरीज, तो आपके वेबसाइट को स्लो करेगा ही। ये सारा मैनेजमेंट मैं करके दे सकता हूँ आपके वेबसाइट के लिए, और मैं यूज करता हूँ क्लाउड फ्लेयर का फ्री प्लान। तो आपके लिए भी मैं सेटअप कर दूंगा क्लाउड फ्लेयर को इन सच अ वे दैट कि यू विल हैव एवरीथिंग फ्री एंड येट यू विल गेट अल्ट्रा फास्ट स्पीड। ठीक है, तो आप कोई भी, आप यहाँ पे नेटवर्क में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थ्रॉटलिंग को बंद कर देता हूँ, नो थ्रॉटलिंग चूज कर लेता हूँ, और तब मैं लोड करता हूँ। मान लो कि ये आर्टिकल मैंने लोड किया, तो इसमें हम गया मैं और टाइमिंग में आता हूँ आप, और मैंने कैचिंग को जो पहले डिसेबल था उसको मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब ये बहुत सारे रिसोर्सेज ब्राउजर कैच कर लेते हैं। अब देखो मिली डाउनलोड टाइम है, वेट टाइम है, वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स है ओनली 57, वो मिली सेकेंड से भी नीचे आ जाता है। डाउनलोड टाइम है 1.10, और ये इनकॉग्निटो मोड में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और 1.10 मिली सेकेंड डाउनलोड टाइम है। ठीक है,
और मैं वीपी बिगनर का भी मैं हटा देता हूँ, जो ये डिसेबल कैच वाला फंक्शन मैंने वीपी बिगनर को भी हटा दिया, मैं से भी हटा दिया हूँ। और अब मैं इसको लोड करने का कोशिश करता हूँ, इसका कोई लिंक। चलो ये फाइव बेस्ट ई कॉमर्स प्लगइन्स कंपेयर्ड, इसको डाउनलोड करते हैं। तो इन भाई साहब का देखो लोड टाइम है, देखो ओके, इनका फास्ट 3G अभी तक मैंने इसको ऑफ नहीं किया था। नो थ्रॉटलिंग, डिसेबल कैच, और रीलोड करते हैं फिर से। ये लिंक पकड़ते हैं, हाउ टू अपियर गूगल आंसर बॉक्स, इस लिंक को पकड़ते हैं। तो देखो ये रही, तो इन भाई साहब ये है वीपी बिगनर, और वीपी बिगनर जो लीजेंड है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के सेगमेंट में, इसके बहुत सारे प्लगइन आते हैं, मिलियंस ऑफ डाउनलोड है उस प्लगइन का, मेरी 0% की भी औकात नहीं इन लोगों के सामने। इनका वेबसाइट का वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स है 286.44 मिली सेकेंड, एंड डाउनलोड टाइम है 2.9 मिली सेकेंड, 2.91 मिली सेकेंड। और ये भी क्लाउड फ्लेयर इस्तेमाल करते हैं, इनका भी हेडर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये क्लाउड फ्लेयर ही है, इनका भी सर्वर क्लाउड फ्लेयर ही है। और मेरा भी सर्वर, मेरा भी हेडर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा भी सर्वर क्लाउड फ्लेयर ही है, ठीक है। मैं लाइट स्पीड सर्वर इस्तेमाल करता हूँ होस्टिंगर का, तो अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं होस्टिंगर पे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ एट होस्टिंगर एंड, और क्लाउड फ्लेयर सेटअप कर सकता हूँ, आपके एडमिन डैशबोर्ड को सेटअप कर सकता हूँ, राइट प्लगइन इंस्टॉल कर जरूरी प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूँ। और एक प्लगइन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है पर्फ मैटर। पर्फ मैटर एक पेड प्लगइन है जिसका आपको लाइसेंस्ड वर्जन पड़ता है $21, और भारतीय रुपीज में हो जाते हैं 1700 रुपये, 1 साल के 1700 रुपये। वो प्लगइन बहुत ज़रूरी है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि उसके जो वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे ब्लॉट्स जो होते हैं, बहुत सारे जो अनवांटेड फीचर्स हैं वर्डप्रेस में, अनवांटेड तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को उस सारे फीचर्स की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो सारे फीचर्स को डिसेबल किया जा सकता है। तो आप पर्फ मैटर के द्वारा उन सारे फीचर्स को डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा पर्फ मैटर जावास्क्रिप्ट को और सीएसएस को हैंडलिंग बहुत अच्छा कर पाता है कंपेयर टू एनी अदर प्लगइन। होस्टिंगर पे मैं हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप लाइट स्पीड कैच इस्तेमाल करो, लाइट स्पीड कैच का सेटअप मैं करके आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं लाइट स्पीड कैच इस्तेमाल नहीं करता अपनी वेबसाइट में, जैसे कि आपको दिखाया। तो ये है गैजेट शिक्षा, दी गैजेट शिक्षा। मैं भी क्लाउड फेयर इस्तेमाल करता हूँ, और वेपी बिगनर भी क्लाउड फेयर इस्तेमाल करती है, बट लोड टाइम में आप देख सकते हैं फर्क कितना है, और वो तब जब मैं एडसेंस एंड यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करता हूँ और एडसेंस को इनेबल करता हूँ अपने वेबसाइट पे। और वीपी बिगनर पे यूट्यूब वीडियो एडेड तो रहते हैं, एडसेंस के कोड एडेड नहीं रहते हैं। तो ये सारे सेटअप मैं करके दे सकता हूँ। तो मैंने अभी आपको दिखाया लाइव कंपैरिजन कि कैसे मेरा वेबसाइट लोड होता है। आप अपने भी लेवल पे मेरे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, आप ठीक इसी तरह से मेरे वेबसाइट को, वीपी बिगनर को, और खुद के वेबसाइट को आप कंपेयर कीजिए, और देखिए कितना फास्ट लोड टाइम है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया।